जी सब जितना नौजवान लोग है सब लेना है, ठीक है सर, ले लेंगे। अफवाह में नहीं जाना, एक दिन तो हो सकता है बुखार लगा ऐसे नहीं हो, ऐसा नहीं इंजेक्शन जान नहीं ले ले और जब तेसर फे जाएगलो ओकरा में बड़ो बुढ़ो सुन तेसर स्टेज आगलो तो बड़ो बुढ़ो छोड़ी सब बुतरू पर पड़ते सब बच्चा पर पड़ते और फिर बच्चा बचाए ना पड़बो यहाँ वास्ते सब माए बाप से आग्रह छो कि अपन बच्चा भविष्य वास्ते तेसर स्टेज ना पहुँचे सब आयस में ले लिया। आज मैं बहुत ही मर्माहत होकर केंद्र की सरकार अभी ऐसा वक्त है कि जिस वक्त में राजनीतिक बात नहीं की जा सकती है, नहीं करनी चाहिए, मैं भी जानता हूँ समझता हूँ, लेकिन फिर भी चूंकि केंद्र की सरकार जो है उसने इस कोरोना के इस अभिशाप को भी राजनीतिक लाभ लेने का एक माध्यम बनाया है और इसके लिए ज़रूर ये कहना पड़ेगा कि चूंकि ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो रही है लेकिन ऑक्सीजन के प्लांट लगाने के बजाय अपने पूंजीपति मित्रों को साइलोज बनाने के लिए केंद्र की सरकार ने पूरा सहायता करने का काम किया। आज रेमडेसिविर की ज़रूरत है, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है क्योंकि भारत सरकार ने कभी इस बीमारी के साथ सीरियसली इस बीमारी को बीमारी की तरह सोचा ही नहीं, ना ऑक्सीजन है, ना रेमडेसिविर है और ना वैक्सीनेशन को जो 35,000 करोड़ रुपया एलोकेट किए गए थे बजट में, उस 35,000 करोड़ रुपया का भी कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है और इस देश के लोगों को केवल एक नारे से इन देश के लोगों को सुशोभित किया गया कि एक देश एक विधान एक संविधान, लेकिन एक देश में तीन तीन तरह के दवाई के टैरिफ का निर्धारण करना ये केंद्र सरकार की कहीं ना कहीं ये दोगली नीति है, डबल इनकी नीति है।